Now, area chart. Area chart can be used to plot change over time, years, months or days, categories, and draw attention to the total values across a trend. By showing the sum of the plotted values, an area chart also shows the relationship of part to a whole. You can use area charts to highlight the magnitude of change over time. Follow the step. हमें ये steps follow करनी पड़ेंगी, वही simple, सब में ही वही process है. किसी में भी एक बार आपको practical जब आप करो, when you perform practical on Excel, जब भी Excel sheet के अंदर आप perform करो, तो आप क्या करोगे, simple सी बात है, आपको पहले जो भी आपका जो data है उसको arrange करना है. किस में? कॉलम. कॉलम मतलब जो कॉलम जो बने होते हैं ना, नीचे जो बॉक्सेस बने होते हैं, उस बॉक्सेस के अंदर कॉलम वाइज वर्टिकली आप उसके अंदर क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे अपने डेटा को. ठीक है, अब जिस डेटा का आपको बनाना है, उस डेटा को आप पूरे मतलब कर्सर के थ्रू या जो माउस होगा उसको क्लिक करके कि पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे कि इंसर्ट टैब में जाएंगे. इंसर्ट टैब या ना इंसर्ट टैब ये वाला, ये है इंसर्ट टैब. यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर जाके इस वाले के अंदर, फिर ये यहाँ से आप क्या करेंगे कि चार्ट ग्रुप ओपन करेंगे सबसे पहले तो, और चार्ट ग्रुप के अंदर जो सभी आपको चार्ट बनाना है, जैसे यहाँ में एरिया चार्ट बनाना है ना, और रिबन के ऊपर उसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको क्या करेगा, ये चार्ट एरिया, क्योंकि तो वो एरिया वाइज शो कर रहा है कि भाई इतना एरिया, और इसमें हम डिफरेंट टाइप के कलर को यूज़ करके हम इसको हमारे को रिजल्टेंट जो भी हमें चार्ट चाहिए वो मिल जाएगा. उसके बाद आ जाओ स्कैटर चार्ट. इसमें स्कैटर एक्स वाई चार्ट्स आर स्टेटिस्टिकली यूज फॉर शोइंग एंड कंपेयरिंग नंबर्स वैल्यूज लाइक साइंटिफिक स्टैटिकल एंड इंजीनियरिंग डेटा. स्कैटर चार्ट हैज़ टू वैल्यूज एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वाई एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, दोनों की अलग अलग वैल्यूज होती हैं और दोनों को ही क्या करा जाता है, अरेंज करा जाता है. अच्छा, सिंपल सी बात हो गई. दूसरी बात ये देखो, इसमें क्या है कि कंसिडर यूजिंग अ स्कैटर चार्ट व्हेन यू वॉन्ट टू चेंज द स्केल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यू वॉन्ट टू मेक दैट एक्सिस और लॉगरिथम स्केल. वैल्यूज फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर नॉट इवनली स्पेस, देर आर मेनी डेटा पॉइंट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड यू वॉन्ट टू एडजस्ट द इंडिपेंडेंट एक्सिस स्केल्स ऑफ अ स्कैटर चार्ट टू रिवील मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा दैट इंक्लूड्स पेयर एंड ग्रुप सेट्स ऑफ वैल्यू. यू वॉन्ट टू शो सिमिलरिटीज बिटवीन लार्ज सेट्स ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ differences between the data points. You want to compare many data points regardless of the time. The more data that you can conclude is it. मतलब जितना भी data है हम इसको उसमें compare कर सकते हैं, या जैसे कि देखो इसमें third point में लिखा, you want to show the similarity large sets of data instead of differences between the data points. Data points के अंदर जो differences है उसको हम वहाँ पर हम similarities को compare भी कर सकते हैं और उसकी similarity को show कर सकते हैं. इसमें भी same वही steps हैं, arrange हमने data को arrange करना पड़ेगा. अब इसमें थोड़ा सा difference आ गया. देखो यहाँ सेकेंड स्टेप में, वहाँ तो हम क्या कर रहे थे, हमें सिलेक्ट डेटा करना हो रहा था. इसमें देखो, प्लेस दी एक्स वैल्यूज इन वन रो और कॉलम एंड द एंटर कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू इन द एडजेसेंट रो. मतलब एक रो में तो क्या करेंगे हम, एक्स की जो एक्स के अंदर जो शो करना है हमारे को उसको हम एंटर करेंगे, और नेक्स्ट वाले जो कॉलम होगा उसके अंदर किसको करेंगे, वाई जो वाई के हमें शो करना है, यानी वर्टिकली जो हमें शो करना है उसके अंदर. ठीक है, उसके बाद वही थर्ड पॉइंट, वही थर्ड स्टेप, द सिलेक्टेड डेटा एंड द ऑन द इंसर्ट टाइप चार्ट ग्रुप एंड स्कैटर टाइप का रिबन हम यूज़ कर लेंगे. उसके बाद देखो यहाँ पर, ये देखो, ये इस तरह से डेटा जो मैं बोल रहा था ना, पहले कॉलम में तो क्या करेंगे हम, जैसे डेली रेनफॉल लिखा हुआ है, डेली रेनफॉल हो गया, और दूसरे में क्या है, पर्टिकुलेट डेटा हो गया. अब इसको जो हम, ये एक्स एक्सिस पे तो ये वाला शो करेगा कौन सा, डेली रेनफॉल, और ये पर्टिकुलेट इस पे करेगा. तो जैसे हम जो इसको शो करेंगे तो देखो यहाँ पर ये आपका स्केटर जो डेटा है, एक्स वाई जो चार्ट है वो कैसे शो हो रहा है ना, बबल, ये छोटे छोटे पॉइंट ये शो हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद है आपका बबल चार्ट. आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को.